उप्स, मैंने च्युइंगम स्वॉलो कर लिया। अब क्या होगा? क्या मैं चोक्ड हो जाऊंगा? क्या ये मेरे फूड पाइप में स्टक हो जाएगा? क्या इससे कुछ सीरियस प्रॉब्लम हो जाएगा? क्या ये मेरे स्टमक में ट्री फॉर्म करेगा? वेल, हम यहाँ हैं आपके सभी आंसर के साथ। हेलो दोस्तों, बहुत से लोग डिफरेंट फ्लेवर के च्युइंगम को च्यू करना लाइक करते हैं, है ना? क्या आपने अभी च्युइंगम को स्वॉलो किया है और अब इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढ रहे हैं? तो आप बिल्कुल सही जगह पर है। आज इस मिस्ट्री को लेट्स ड्यूट सॉल्व करेगा। अ वर्ड ऑफ कॉशन, गम को स्वॉलो नहीं करना है। आगे बढ़ने से पहले, क्या आपको पता है कि गम क्या है और ये किस चीज से बना है? च्युइंग गम ये गम बेस से बनी होती है, जो कि सोरवा और जेलोटोंग जैसे नेचुरल रेजिन से बनी होती है। नेचुरल गम बेसिस में लेटेक्सेस जैसे चिकले, जेलोटोंग, गटा फर्शा, रोजिन एक्सेट्रा शामिल है। इसके अलावा इसमें कुछ स्वीटनर्स, कलर्स और फ्लेवर्स भी होते हैं। तो बेसिकली ये 20-25% गम बेस है और बाकी 80-75% फ्लेवर्स है। ये सुनकर आप खुश मत हो जाना। फिर भी दोस्तों, च्युइंग गम्स हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। अब एग्जैक्टली क्या होगा अगर हम च्युइंग गम को स्वॉलो कर ले तो? रिसर्चर्स सजेस्ट करते हैं कि ये आपके बॉडी में एक वीक से ज़्यादा नहीं रह सकता। ये समय आपके बॉडी को च्युइंग गम को डाइजेस्ट करने के लिए मिलता है। जब आप च्युइंग गम स्वॉलो करते हैं तो आपकी बॉडी इसके कुछ पार्ट को डाइजेस्ट कर लेती है, जिसमें स्वीटनर्स, फ्लेवरिंग, प्रिजर्वेटिव्स और सॉफ्टनर्स इंक्लूड होते हैं, और जो बचता है वो है इनडाइजेस्टिबल गम बेस, जो कि कोलन में चला जाएगा और फाइनली स्टूल में से पास हो जाएगा। आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम इस तरह से बनाई गई है कि जो वो डाइजेस्ट कर सकती है वो डाइजेस्ट हो जाएगा, और जो चीज़ें वो डाइजेस्ट नहीं कर पाती है वो चीज़ें स्टूल में पास की जाती है। न्यूयॉर्क के NYU लैंगोन मेडिकल सेंटर गैस्ट्रोनोलॉजिस्ट डॉक्टर लीसा गैंजो ने कहा है कि आपकी GI ट्रैक बहुत स्ट्रांग है। अगर ये एक टफ स्टिक को डाइजेस्ट कर सकती है तो ये गम इजीली डाइजेस्ट कर सकती है। एंड च्युइंग गम में कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती है। ज़्यादातर प्रोफेशनल्स इसके स्वॉलोइंग के अगेंस्ट है। गम आपको किल नहीं करेगी, पर इसे पर्पजली स्वॉलो करना लॉजिकल नहीं है। जब तक ये स्मॉल पीस है तब तक ये हार्मलेसली पास किया जा सकता है। आपकी बॉडी कुछ ही दिनों के अंदर गम को सेफली पास कर सकती है। तो अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि क्या फिर गम को स्वॉलो करना ठीक है? और आप रिलैक्स होके बैठे होंगे। अगर आप रेगुलरली गम को स्वॉलो कर रहे हैं तो क्या इससे आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी? लार्ज अमाउंट में गम स्वॉलो करना रिकमेंडेड नहीं है। कई रिसर्चर्स का कहना है कि ज़्यादा क्वांटिटी में गम स्वॉलो करने से इंटेस्टिनल ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, स्पेशली बच्चों में। ये अब्डोमिनल पेन, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, गैस, डायरिया, माउथ अल्सर्स भी पैदा कर सकते हैं। रिपीटेडली च्युइंग गम से जॉ और डेंटल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। इसीलिए ये सजेशन दिया जाता है कि छोटे बच्चों को गम नहीं दिया जाना चाहिए और केवल उन बच्चों को देना चाहिए जिन्हें ये समझ है कि गम को स्वॉलो नहीं करना है। च्युइंग गम को स्वॉलो करना बुरा है, लेकिन अगर आपने इसे मिस्टेकली स्वॉलो कर लिया है तो ये सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपने इसे मिस्टेकली स्वॉलो कर लिया है तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि च्युइंग गम स्वॉलो की मिस्ट्री अब रिजॉल्व हो गई होगी। अगर आपको इस प्रकार के और वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आप हमारी वेबसाइट www.letstude.com पर अवेलेबल कोर्सेज भी चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।